दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, सभी किसानों को हर साल मिलेंगे ₹12,000। और इसी के साथ मुख्यमंत्री वो किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिमा मिलेंगे ₹1,000। बहुत ही बड़ी वो घोषणा हो चुकी है सभी किसान भाइयों के लिए, तो बड़ी वो खुशखबरी है। आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ जानकारी बताई जाएगी। ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन आ चुका है इस योजना का, पूरा ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन वो देखिए दोस्तों। इसके अंदर बताया गया कि मुख्यमंत्री व किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी, पात्र व कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमा ₹1,000 अनुदान मिलेगा। इसके अंदर बताया गया कि जयपुर नौ जोन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमा ₹1,000 और अधिकतम ₹12,000 प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1,445 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण जारी किया जाएगा। अनुपातिक आधार पर विद्युत वितरण का 60% अधिकतम ₹1,000 प्रतिमा दे होगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के पात्र नहीं होंगे। पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या एवं बैंक खाते को योजना से वो जुड़वाना होगा। वो संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत वितरण तो निगमों का बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि देनी होगी। तो बकाया भुगतान वो कर देने पर उपभोक्ता अनुदान राशि आगामी विद्युत बिल पर दे होगी। योजना लागू होने के माह से पहले ही बकाया विद्युत बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल ₹1,000 से कम है तो वास्तविक बिल अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। इससे वह किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में सामान्य श्रेणी के व ग्रामीण एवं कृषि उपभोक्ता जिसका बिल मीटरिंग से आ रहा है उन्हें प्रतिमा ₹1,000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12,000 अनुदान राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुपालन में विद्युत वितरण निगमों द्वारा अनुदान राशि हस्तांतरण के लिए वर्ष 2021-22 के आय व्यय अनुदानों में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान ट्रैफिक सब्सिडी में से शामिल कर दिया जाए। यानी कि अब आप किसानों को ₹1,000 तो मिलेंगे, यानी कि एक साल के अंदर तो ₹12,000 तो मिलेंगे। जो भी विद्युत का बिल आता है तो उस हिसाब से उनको ये राशि दी जाएगी। इसके अलावा तो और भी कोई अपडेट आएगी तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।